हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत स्पेशल चलाई की बर्फी की रेसिपी। एकदम परफेक्ट बर्फी बनकर तैयार होंगी जब आप कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ इन्हें बनाएंगे। तो क्या है वो खास टिप्स, जानने के लिए रेसिपी को पूरा देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ ले रहे हैं आधा किलो चीनी और इसी के साथ यहाँ ऐड कर रहे हैं आधा ग्लास पानी। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक चलाते हुए पकाएंगे। और ये देखिए, चीनी को हमने चलाते हुए पका लेना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और हमें इसकी दो तार की चाशनी बना करके तैयार करनी है। आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, इस तरह से या तो आप उंगली से चेक कर लीजिए दो तार अच्छे से आए हैं या नहीं। अगर आप ऐसे चेक नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। चाशनी हमारी रेडी है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं एक कटोरी में पानी। तो यहाँ हमने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। थोड़ी सी हम चाशनी डालकर चेक करेंगे। अगर इस चाशनी की गोली बन रही है तो हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है, और अभी अगर गोली नहीं बन रही है तो हमें इसे और पकाना है। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं चाशनी से गोली बन रही है, तो ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब हम यहाँ ले रहे हैं 100 ग्राम मावा। ये मावा हमने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। आप चाहे तो मार्केट वाला खोया मावा ले सकते हैं। और अच्छे से चलाते हुए हमें इसे चाशनी में अच्छे से मिक्स करना है। आप या तो गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए या फिर गैस को बंद भी कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने मावे को अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लिया है। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और गैस से अलग कर दिया है इसे। और अब हमने जो ये चौलाई ली थी, चौलाई को हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही टेस्टी ये चौलाई की चिक्की बनकर तैयार होंगी। और बाकी की बची हुई चौलाई भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। एक साथ इसमें चौलाई बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर आप इसमें एक साथ सारी चौलाई डाल देंगे तो आपको मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी चौलाई ही इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप ये चौलाई की चिक्की चीनी की जगह गुड़ से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, हमने अच्छे से सारी चौलाई को चाशनी में मिक्स कर लिया है। अब ये सारी चौलाई अच्छे से चाशनी में मिक्स हो चुकी है। आओ, हमने यहाँ पर एक प्लेट लेनी है जिसे हमने पहले ही घी लगा करके ग्रीस करके रखा है। और ये चौलाई इसमें डाल देंगे, जितनी इसमें आ जाएगी हम इसमें डाल लेंगे। और एक दूसरी प्लेट में हम ये सारी डाल देंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए इसे दबा देंगे। सिर्फ 10 मिनट में ही ये चौलाई की चिक्की सेट हो जाती है। और ये देखिए, हमने इसमें सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर से आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़े से पिस्ते और बादाम को बारीक चॉप करके रखा है और थोड़े थोड़े सबके ऊपर डाल देते हैं। इसी तरह हम दूसरी प्लेट में भी पिस्ते और काजू डाल लेंगे। और अब इन्हें हल्का हल्का सा हम प्रेस कर देंगे ताकि ये चौलाई में अच्छे से ये सारे ड्राई फ्रूट्स सेट हो जाएं। अभी ये चौलाई गर्म है, अभी ये सेट होगी तो ये अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें सेट हो जाएंगे। अब इसे इसी तरह 10-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 10 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने दो प्लेट में बनाकर रखी थी, मैं आपको दूसरी प्लेट की दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमने इसमें कट लगा दिया था 2 मिनट के बाद, और अब ये बहुत ही आसानी से निकल आती है।
ये देखिए बनी है ना कितनी टेस्टी। तो आप भी एक बार मेरी रेसिपी से ये चौलाई की बर्फी जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसी और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।